सफदरजंग समेत दिल्ली के 5 अस्पतालों में डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है। डॉक्टरों की हड़ताल से इमरजेंसी और ओपीडी सेवाएं भी बाधित हुई हैं। जी हां, चिंता का सबब सबसे बड़ा यह है कि इमरजेंसी सेवाएं भी बाधित हो गई हैं। पीजी काउंसलिंग की मांग को लेकर डॉक्टरों की ये हड़ताल चल रही है। जूनियर डॉक्टरों की कमी से काम का दबाव बढ़ने की शिकायत हर जगह से मिल रही है। इमरजेंसी सेवा ना मिलने से 5 मरीजों की मौत हो गई है, ये भी खबर है। यानी बड़ा असर अब इस हड़ताल का नजर आने लगा है। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर मनोज कुमार मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा डॉक्टर संजीव चौबे चीन के शंघाई से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। चीन में इस वक्त क्या स्थिति है यह भी हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मानव यादव सफदरजंग अस्पताल से हमारे साथ लाइव हैं और शालिनी वाजपेयी राम मनोहर लोहिया अस्पताल से हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले मानव, मैं आपका रुख करूंगा, जरा हड़ताली डॉक्टरों से बात करके पता यह करने की कोशिश कीजिए, एक तो ये कि इनकी डिमांड्स क्या है और दूसरा ये कि यह कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है कि इमरजेंसी सेवाओं पर असर पड़ने लगे और लोगों की जान जाने लगे और फिर भी हड़ताल जारी रहे। बिल्कुल समीर, मैं डॉक्टर से बात करूंगा, उससे पहले मैं आपको एक पोस्टर दिखाता हूं और इस पोस्टर पर साफ साफ लिखा है कि अगर आपको कोरोना के नए वेरिएंट को हराना है तो आपको नए डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में उतारने पड़ेंगे। मांग ये है कि नीट की काउंसलिंग होनी थी और काउंसलिंग के बाद नए डॉक्टर्स अस्पतालों में जाते हैं, लेकिन वो काउंसलिंग नहीं हो पाई, अब बोझ अस्पतालों पर पड़ रहा है। डॉक्टर मनीष हमारे साथ हैं, RDA प्रेसिडेंट हैं फोटा के, क्या आपकी मांग है? और हम देख रहे हैं कि इमरजेंसी सेवाएँ भी बंद कर दी गई हैं। मेरी मांग सिर्फ एक ही है कि नीट PG काउंसलिंग जल्द से जल्द कराया जाए। और जहाँ तक इमरजेंसी सेवा की बात है, उसमें से हमने सिर्फ अपने रेजिडेंट डॉक्टर्स को विड्रॉ किया है, रूटीन सर्विसेज से भी रेजिडेंट डॉक्टर्स को विड्रॉ किया है, बट हमने कहीं से भी बंद नहीं किया है। जो इमरजेंसी सेवा है वो हमारे जो सीनियर फैकल्टीज है वो दे रहे हैं और मरीजों की इलाज चल रही है वहाँ पर। कितने अभ्यर्थी हैं? आप बता रहे थे कि कुछ 40,000 के ऊपर आंकड़ा है जिनको काउंसलिंग होनी थी, फिर उनको हॉस्पिटल अलॉट होना था। ऐसे तो 45,000 से ऊपर है जो नीट PG क्वालिफाई करके अपने घर पर बैठे हैं, और ऐसे समय पर घर पर बैठे हैं जब आप कोरोना का तीसरा लहर एंटिसिपेट कर रहे हैं और आपके पास डॉक्टर्स नहीं है काम करने के लिए, तो पता नहीं इसे कैसे आप लड़ेंगे। अगर मैं अभी सफदरजंग की बात करूं तो यहां पर जो स्टाफ है उसकी कितनी कमी है, क्योंकि नए वेरिएंट भी सामने आ रहा है, तो आगे फ्यूचर में आप क्या परेशानियाँ हो सकती हैं आप लोगों को, मरीजों को? फ्यूचर में क्या, हम तो अभी भी परेशान नहीं है, परेशान है क्योंकि एक पूरा बैच हमारे पास नहीं है, तो जो डॉक्टर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी ओवर वर्कड है, ओवर बर्डेंड है। अगर आप देखें तो एक डॉक्टर एक अपनी ड्यूटी में, इमरजेंसी ड्यूटी में 36-38 घंटा काम करता है और पूरे हफ्ते कम से कम उनके 100 घंटे हो जाते हैं काम करते करते, तो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हैं। पिछले साल जब कोरोना आया था तब से वो लगे पड़े हैं और अब तक वो रुके नहीं है, तो अब वो बिल्कुल थक चुके हैं। इसलिए हमें वो बैच चाहिए, हमें डॉक्टर्स चाहिए ताकि हमारी सेवा अच्छे से चल सके। ठीक है, और क्या मांग करेंगे सरकार से आपके? हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी आप लिख रहे हैं कि नीट काउंसलिंग कराई जाए, जल्दी से जल्दी इसका हल निकाला जाए। देखिए, हमारी सिर्फ एक ही मांग है जो बहुत क्लियर है, सिर्फ नीट PG 2021 के जो काउंसलिंग है, जो अंदाजा 7 महीने हो चुके हैं, वो अभी तक नहीं हो पाई है। उसका केस जो है वो कोर्ट में पेंडिंग है और अगली सुनवाई की जो तारीख है वो 6 जनवरी 2022 की है। 6 जनवरी को भी कोर्ट का फैसला आएगा कि नहीं और काउंसलिंग कब चालू होगी इसके बारे में भी किसी को नहीं मालूम है, किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। समीर, ये मसला इसलिए और बड़ा हो जाता है क्योंकि दिल्ली के जो बड़े अस्पताल हैं सफदरजंग, RML, वहां पर पहले से पेशेंट का जो बोझ है काफी ज्यादा है, दूसरे राज्यों के मरीज यहां पर आते हैं और उनको पहले से जो डेट मिलती है वो 2-3 महीने की डेट मिलती है तमाम बीमारियों को लेकर। अगर ऐसे में हड़ताल चलेगी और सरकार नहीं सुनेगी तो कहीं ना कहीं मरीजों के साथ साथ डॉक्टर्स उनके ऊपर भी काफी बोझ है वो बना रहेगा। ये बात तो अपने आप में सही है मानव, जो डिमांड्स की जा रही हैं उन पर सुनवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए, क्योंकि ये सेकेंड वेव के दौरान भी हमने देखा था एक एक डॉक्टर पर मरीजों का जो बोझ था वो काफी ज्यादा था। लेकिन ऐसे में इमरजेंसी सेवाओं का ठप हो जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता की बात नजर आती है। शालिनी वाजपेयी हमारे साथ मौजूद है, RML अस्पताल से इस वक्त लाइव है। शालिनी, डॉक्टर्स तो मना कर रहे हैं, वो डॉक्टर्स जो हड़ताल पर हैं वो कह रहे हैं कि नहीं जी, इमरजेंसी सेवाएं ठप नहीं हुई हैं, लेकिन इससे जुड़ी तमाम खबरें लगातार सामने आ रही हैं जिसकी वजह से मरीजों को भारी दिक्कत इस वक्त अस्पतालों में हो रही है, ये भी तो सच है।
देखिए समीर, ये बात सही है कि 100% तो इमरजेंसी और ओपीडी सेवाएं नहीं कहेंगे बाधित है, लेकिन फिर भी रेजिडेंट डॉक्टर्स की बहुत बड़ी संख्या होती है जो कि इन हॉस्पिटल्स में काम करती है। जब बड़ी संख्या में डॉक्टर्स नहीं आएंगे तो बाधित होना स्वाभाविक है। ये कह रहे हैं कि हमने पूरी तरह से बंद नहीं किया है, लेकिन सिर्फ सीनियर डॉक्टर्स ही मरीजों को देख रहे हैं। आज जैसे कि हमने आज जाकर सफदरजंग में भी बातचीत की थी, तो पेशेंट रो रहे थे वहाँ पर। बहुत सारे पेशेंट जो खासतौर से कैंसर के जो पेशेंट हैं, वो कह रहे थे कि हमारी सर्जरी होनी थी, कीमो का हमें हमारी डेट थी, हम कहाँ से, बिहार से, पटना से, और पता चले किन किन जगहों से आए हुए हैं यहाँ पर। और इस एक मरीज ने तो यहाँ तक बताया कि उसकी इतना दर्द है, उसको मुंह का कैंसर है। अब उसने बताया कि मुंह के कैंसर की वजह से आप सोच रहे कि मैं खड़ा नहीं हो सकता हूँ, बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन डॉक्टर्स हमारा इलाज नहीं कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर्स भाई दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि हमारा दर्द कौन सुनेगा। देखिए परेशानी दोनों तरफ है और पीस रहे हैं मरीज, डॉक्टर्स और सरकार सबके बीच की जो बातचीत है, मरीजों को इससे कोई मतलब नहीं होता। मरीजों को तो सिर्फ उनके अपने इलाज से मतलब होता है, उनको रहता है कि भाई इलाज उनका होना चाहिए। वो बहुत दूर से आते हैं और एक डॉक्टर के भरोसे कहाँ से कहाँ आते हैं, लेकिन ऐसे में अगर डॉक्टर इलाज नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है उनके लिए बहुत मुश्किल। यही सबसे बड़ी चिंता का सबब है शालिनी, और हमने देखी है तमाम तस्वीरें जहाँ पर मरीज ये शिकायत कर रहे हैं कि गंभीर से गंभीर समस्या का जिसमें तुरंत इलाज होना चाहिए, वहां पर भी इमरजेंसी सर्विसेज क्योंकि ठप हो रही हैं और उनमें डॉक्टरों की कमी है, इस वजह से उनका इलाज नहीं हो पा रहा है और 5 मरीजों की जान चली गई है, ये भी खबर सामने आ रही है। वहीं हेल्थ सर्विसेज के डीजी ने की है हड़ताली डॉक्टरों से अपील। वो अपील क्या है, डॉक्टरों से ड्यूटी पर लौटने की अपील की गई है, मांगों के समाधान की कोशिश हो रही है, ये भरोसा डीजी हेल्थ की तरफ से दिलाया गया है। हम सब के लिए ये सबसे चुनौती का वक्त है, डीजी हेल्थ ये कह रहे हैं। देश और गरीबों की सेवा हमारा पहला धर्म होना चाहिए, और ये कहते हुए हड़ताल पर लौट आए, हड़ताल खत्म करके जो डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, वो लौट आए, ये अपील की गई है। डॉक्टर मनोज कुमार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर मनोज कुमार, इस वक्त जो स्थिति है उसमें निश्चित तौर पर डॉक्टर्स पर बोझ ज्यादा बढ़ा है, दिक्कतें परेशानियां हो रही हैं, लेकिन ऐसे वक्त में काउंसलिंग की डिमांड करते हुए हड़ताल पर चले जाना और उससे तमाम सेवाओं का प्रभावित होना, ये कितनी बड़ी चिंता की बात है और इसका सलूशन क्या है? देखिए समीर जी, जो इनकी डिमांड है कि काउंसलिंग इतनी ज्यादा डिलेड हो गई है कि समझिए कि एक बैच ड्रॉप आने की संभावना हो गई है। और आप समझिए JR1 जो फर्स्ट ईयर PG होता है, उसके बहुत काम होते हैं, जिसको हाउस सर्जन की तरह काम करता है, और 1/3 आपका वर्किंग फोर्स जो है पिछले 7 महीने से क्वालिफाई करके और उसकी रैंकिंग के बाद घर में बैठा हुआ है, तो निश्चित तौर पे उनकी परेशानी है, इसमें कोई शक नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है ये सोचना है। इसका सॉल्यूशन ये है कि कोर्ट और सरकार को संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहिए, क्योंकि देखिए कोविड का 3rd वेव हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। ओमिक्रॉन आप जानते हैं कि इसकी R वैल्यू कितनी डेल्टा से भी ज्यादा है, स्प्रेड इतना ज्यादा होता है, 32 म्यूटेशंस हैं, बहुत सारी कैरेक्टर्स हैं जो वायरस को एडवांटेज देता है कि वो बहुत जल्दी फैलता है। तो कभी भी जनवरी फरवरी जो आकलन हो रहा है, चाहे IIT कानपुर से हो रहा हो या इवन IMA ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी बताया समीर जी कि 3rd वेव जनवरी फरवरी में आ सकता है, तो उसकी तैयारी होनी चाहिए। उसकी तैयारी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्क फोर्स को तैयार करना। तो देखिए हड़ताल तो कोई सॉल्यूशन होता नहीं है, बट क्या होता है कि लोग फ्रस्ट्रेट होके या चीजें सुनी नहीं जाती है तब ऐसा करते हैं। बट मुझे लगता है कि अभी एक ऐसा कुछ करना चाहिए कि जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो, क्योंकि देखिए ओमिक्रॉन वेरिएंट का जहां तक सवाल है, संक्रामक तो ज्यादा है, तो मुमकिन है खुदा ना खास्ता आने वाले वक्त में अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है और अस्पतालों में अगर ये हालात रहेंगे तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।